नमस्कार दोस्तों, सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दिल्ली के साउथ वेस्ट रंगपुरी केंद्रीय विद्यालय का 23वां वार्षिक समारोह मनाया गया, जिसका विषय मेरा देश बदल रहा है पर आधारित था। केंद्रीय विद्यालयों के छोटे छोटे बच्चों ने विषय के आधार पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया और बदलते हुए देश को अपने कार्यक्रम के जरिए देश में बदलाव को झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों के तौर पर बीएमसी के अध्यक्ष श्री विजय कुमार, केसी मीना, एजीएम ओएसडी के अध्यक्ष बीएमसी बच्चों के इस प्रयास की सराहना की। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने किस तरह से अपना परफॉर्म दिखाया एवं वहाँ बैठे ऑडियंस से तालियां बटोरने में कामयाब रहा। तो आइए वहाँ के आए चीफ गेस्ट एवं स्कूल के प्रधानाचार्य ने क्या कहा मीडिया से बातचीत में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जितना भी कहा जाए उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया गया बड़ा सराहनीय है। इसके पीछे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है और बच्चों को नई जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में पूरा पूरा ज्ञान दिया है कि डिजिटल इंडिया, स्वच्छता और जितने भी भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाना है, जितनी भी ज्वलंत आजकल के विषय हैं उनको सभी को छुआ है। आने वाले युवाओं को, जो बच्चे आपके स्कूल में आना चाहते हैं या फिर बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के लिए? उन बच्चों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो देश के भावी नागरिक हैं, भावी उनमें उन्हीं के बाग हाथों में देश की बागडोर होगी। तो बच्चों में जो वैल्यूज़ हैं वो अच्छी वैल्यूज़ अपने अंदर डालें और अच्छी वैल्यूज़ अगर होंगी तो भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा और बच्चे हमारे मेहनत करें और ऊँचाई मेहनत करेंगे बहुत ऊँचाइयों तक जाएंगे। और मेरी उम्मीद है कि ये केंद्रीय विद्यालय रंगपुरी के जो बच्चे हैं इनमें बहुत पोटेंशियल है, टीचर्स में भी बहुत पोटेंशियल है और मैं इन सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ ताकि भविष्य में ये और ऊंचाइयों तक जाएं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ मीडिया पर्सन्स को कि आप लोगों ने इतनी संख्या में आकर के हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने में योगदान दिया। दूसरी, आज के प्रोग्राम को देखते हुए आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि इस विद्यालय के बच्चे कितने होनहार हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं घोषित की गई हैं, उसमें हमारे बच्चे ने यहाँ प्रैक्टिकल रूप में एक संदेश सभी पेरेंट्स एवं दर्शकों को, हमें स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा अन्य प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए प्रोग्राम में आगे बढ़ करके अपना योगदान देना चाहिए। अपने देश के लिए ठीक सब कुछ करने की आवश्यकता है जिससे हमारा देश जिस प्रकार अतीत में विश्व में चरमोत्कर्ष पर था, लीडरशिप करता था पूरे संसार का, आने वाले समय में एक बार फिर भारत पूरे विश्व में चरमोत्कर्ष पर पहुंचे, एक नेतृत्व प्रदान करे। और हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई परियोजनाएं इस क्षेत्र में अपनी योगदान देंगी और निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी के अंत तक अपना भारत वास्तव में महान होगा और देश के एक नेतृत्व प्रदान करेगा। धन्यवाद। ओके।